सर्वोकॉन के ऑफिस में आज जश्न ईद मनाया गया। कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में जश्न ईद के मौके पर सभी के बीच में भाईचारा बढ़ाने का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि सर्वोकॉन 40 देशों में अपना बिजनेस कर रहा है। सर्वोकॉन आने वाले समय में पीएम मोदी की योजना के तहत 16 क्षेत्र में काम भी कर रहा है। सर्वोकॉन फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। फाउंडेशन की तरफ से 25 बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। सर्वोकॉन जश्न ईद का मतलब यही है कि एक भाईचारा के लिए एक संदेश है, देश के लिए एक संदेश है कि हम लोग सभी लोग इस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति में सभी लोग हैं, तो इसीलिए हमने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया है। इसमें हमारे सिख भी भाई आए हुए हैं, हिंदू भाई भी आए हुए हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग मिलजुल के इसको इंजॉय कर रहे हैं। बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि लोग एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है क्योंकि तालीम से ही तस्वीर बदलती है, तो हमारा यही कहना है कि आज तरह जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है तो उसमें क्या है कि अगर आप क्वालिटी की एजुकेशन ले रहे हैं, क्वालिटी की एजुकेशन पे आप काम कर रहे हैं, अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बिजनेस भी कर सकते हैं और दूसरी जगह भी आप नौकरी कर सकते हैं क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो है ना एजुकेशन का स्तर काफ़ी कम होता चला जा रहा है। इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ के आ रहे हैं लेकिन वो नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है, तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रूर आपको नौकरी मिलेगी, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेहनत करेंगे तो 100% वो दिन आएगा कि आप ज़रूर उसकी सफलता हासिल करेंगे। बहुत ही खुशी का समय है कि हम उन पवित्र आत्माओं के दर्शन कर रहे हैं जिन्होंने एक महीने तक शरीर को भी पवित्र रखा और आत्मा को पवित्र करने के लिए कुरान मजीद को पढ़ा, उसका जीवन जिया। तो ये समय होता है जब साल में एक बार अल्लाह के नज़दीक रह के उनके हुक्म पे जीवन जिया जाता है। तो ये सभी लोग देवता हैं, फरिश्ते हैं जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, तो इनके पास आके मुबारकबाद पेश करना जिम्मेवारी है। और ये ईद चलती रहे, खुशियाँ बढ़ती रहे और सारा समाज इकट्ठा रहे, इसके लिए दुआ करते हैं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए बिकॉज ये you know, भाईचारा बढ़ाने के ये टैक्टिक्स हैं, ये तरीके हैं। मतलब कहते हैं देयर इज़ अ मेथड टू एवरीथिंग। हम लोग सब कहते हैं कि भाईचारा बढ़ाना चाहिए, ये कोई गैप है तो उसे ख़त्म करना चाहिए। आई थिंक फेस्टिवल्स आर द बेस्ट वे टू ब्रिज दिस गैप, दिस इज़ व्हाट आई से। एंड बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है एंड मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सर्वोकॉन और उनके लीडर्स को जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सेलिब्रेट ईद सेलिब्रेशन का आज ऑर्गेनाइज़ किया।